नमस्कार दोस्तों, गोविल सोइंग मशीन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये हमारा 7x7 वो लुक मशीन है जिसके अंदर आपको टाका छोटा बड़ा करना हो तो कैसे करना होता है वो हम आपको बताएंगे। ये आपको अभी ये जो टाका है ये आपका नॉर्मल टाका है 3 नंबर पे। अभी हम आपको इसको इससे बड़ा करके बताएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है वो बताते हैं। यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है जो आप देख सकते हो। वो बटन आप खोलने के बाद में यहाँ पे आपको ये बटन दबाना है, ये जो स्प्रिंग से दबता है वो बटन दबाने के बाद में आपको जो ये व्हील है व्हील घुमाना है। व्हील एक बार एक साइड पे लॉक हो जाएगा, वहाँ पे वो लॉक हो दबाने से वो लॉक हो जाएगा। अभी आपको ये जितना भी बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हो। ये अभी हम आपको 7 पे करके बताते हैं। ये अभी हम आपको इसको टाका 7 पे करके बताते हैं। ये देखिए आपको ये टाका जो है वो 7 पे है और ये टाका 3 पे है। आपको काफ़ी अंतर दिख रहा है दोनों टाकों के बीच में, तो ये आप कितना भी बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हो। अभी हम आपको इसको कम करके बताते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे वो बटन वापस दबाना है और ये बटन दबा के ये व्हील लॉक हो जाना चाहिए, फिर आपको उसको उल्टा घुमाना है और उल्टा घुमा के उसको हमने 1.5 नंबर पे ले लिया हुआ है और बाद में ये बटन वापस आपको छोड़ देना है, फिर आप उसको दबा दीजिए। अभी हम आपको ये मशीन वापस चालू करके बता रहे हैं। अभी ये देख रहे हो आप 7 नंबर के टाके और 2 नंबर के टाके में काफी फर्क आपको दिख रहा है। जो पहले हमने आपको जनरल दिखाया था वो 3 नंबर का टाका था, तो आपको तीनों टाके बाजू बाजू में रख के हम बताते हैं। ये देखिए ये आपको हमने सबसे छोटा करके भी बताया, सबसे बड़ा करके भी बताया और मीडियम करके भी बताया। सबसे ज़्यादा मीडियम टाका चलता है तो हम उसको वापस मीडियम टाके पे सेट करके रख देंगे। तो आपको ये मशीन में हमने टाका कैसे छोटा बड़ा करते हैं वो अब हम आपको बताया हुआ है। अभी हम अपना नॉर्मल जो टाका है वो कंप्लीट कर देंगे। हम 4 नंबर पे उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको वापस एक बार चालू करके बता देंगे। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ये हमने उसको वापस नॉर्मल कर दिया हुआ है। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।